वेलकम बैक खादी आजाद आज हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं विद आवर इंटरव्यू विद डॉक्टर फैसल जो कि एक इफेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन है ऑन कोविड नाइन्टीन डॉक्टर साहब वेलकम बैक अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे जो सबसे मेजर सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसके पर बहुत लोग डिवाइडेड हैं लॉकडाउन वर्से स्मार्ट लॉकडाउन बहुत सारे क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ही होना चाहिए है तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका इसमें क्या मौकफ है और एज अ इफेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट आप इसको मुख्तलिफरी से कैसे देखते हैं देखिए इसमें कुछ चीज़ तो बड़ी सादी और मुश्तरक है वो ये है कि जो डॉक्टर्स जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और जिस मसले को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो ये है कि हमारे माशरे में बीमारी की मौजूदगी है और एक सर्टन तादाद से एक सर्टन मिकदार से ज़्यादा है एक तो इदाद शुमार के जरिए भी ज़ाहिर होता है लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं चूँकि वो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं वो पेशेंट्स को देखते हैं और वहाँ जो हालात होते हैं उससे वो रोज़मर्रा के बेसिस के ऊपर उसको फेस करते हैं तो उनका उस बारे में सेंसिटिव सेंसिटाइज होना और उसके बारे में अवेयरनेस रखना एक नेचुरल सामल है तो ये तो क्लियर बात है वो ये कह रहे हैं कि बीमारी बहुत है इसके बारे में कुछ करना चाहिए अच्छा अब वो कुछ जो है वो वेरियस शेड्स और फॉर्म्स ले सकती है अगर तो हमें ये ना पता हो कि बीमारी कहाँ है कहीं ज़्यादा है या कहीं उसकी नस्बत कम है तो तो उस सूरत में कोई और चॉइस नहीं है जब आपको सारे माशरे को या सारे शहर को यह एक बहुत बड़े इलाके को बंद करने की जरूरत है वो लाजम हो जाता है आ, दूसरी सूरत यह है कि अगर आ, किसी भी माशरे में किसी शहर में हर महल में हर इलाके में तकरीबन बराबर बराबर इन्फेक्शन हो एक तरह से बिल्कुल यूनिफॉर्म हो तो भी आपके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि सब चीज़ों, चीज़ों को क्लोज कर दिया जाए लेकिन कुछ सूरतों में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है किस चीज़ की एक टारगेटेड अप्रोच की एक टेलर्ड अप्रोच की ये उस सूरत में हो सकता है एक अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि क्या कुछ इलाकों में बीमारी का जोर ज़्यादा है किसी और जगह की नस्बत तो तो आपको मौका मिलता है कि आप थोड़ा उसके गिर्द टारगेट कर सकते हो आ, इतना ही फ़र्क है सच्ची बात यह है कि अगर आप इसको पूरे मुल्क के हवाले हाँ से देखो या एक प्रोविंस के हवाले हाँ से देखो या शहर के हवाले हाँ से देखो तो आपने अपनी रिस्पॉन्स को टाइट्रेट करना है टारगेट करना है उसको फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव रखना है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसके ज़रिए हमें इस टारगेटेड किस्म के लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाने की अपॉर्चुनिटी है राइट सो आई थिंक इससे जो मुझे समझ आती है ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ लॉकडाउन है जिसमें जो एरियाज़ ज़्यादा जहाँ पर डिजीज़ स्प्रेड है वो लॉकडाउन हो रहे हैं और जिन एरियाज़ में डिजीज़ नहीं है उनको खुला रखा जा रहा है ताकि इकोनॉमिक इकोनमी भी चलती रहे आपके साथ साथ और आपका आ, कंट्रोल भी होता रहे बिल्कुल देखिए अगर आप इसको बिल्कुल मैं आपको कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से एक चीज़ बताता हूँ चीन में मसला शुरू हुआ उन्होंने सारा मुल्क तो नहीं बंद कर दिया सही उनके पास एक प्रोविंस में मसला था एक शहर में मसला था पहले वो शहर के हुए फिर पता चला नहीं थोड़ा उससे बढ़ के मामला उन्होंने अपनी कोर्स करेक्शन की शहर से हट के वो प्रोविंस में आ गए तो इवन दैट इन रियालिटी अगर आप चाइना पूरे चीन के पैराए में देखें तो वो एक स्मार्ट लॉक एक लिमिटेड लॉकडाउन था पूरे मुल्क को तो नहीं उन्होंने एक जैसा बदल कर तो अगर आप एक शहर के हवाले से देखें तो शहर के हर हिस्से में बराबर तेज़ी बीमारी की नहीं है ठीक और कहीं ज़्यादा है कहीं कम है अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप मजबूर हैं जी या जैसे मैंने कहा सब बराबर हो तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद भी है और कुछ फ़र्क है बीमारी की तेजी में एक जगह की नस्बत दूसरी जगह में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप उस जगह पे अपनी अटेंशन ज़्यादा फोकस करें जहां मसला है।, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरी जगह में आपने कोई एहतियात नहीं करनी जिनको यह हम या एहतियाती तदाबीर बोल रहे हैं लाजिम है वो बाकी हर जगह में करनी है चाहे वहां बीमारी का जोर कम है या ज्यादा है तो इन अदर वर्ड्स कुछ मेजर्स जो हैं वो ऑल अक्रॉस करने हैं लेकिन जो ज़रा इजाफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उन जगह पे फोकस करनी है जहाँ मसला ज़्यादा सही सही, सही। ए, ये तो हमें समझ आ गया कि यू नो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं और यू नो इट्स अ मोर एडवास फॉर्म लेकिन एक जो मेजर क्रिटिसिज्म आता है कि जी लॉकडाउन हमें पता है कि महीने हो गया ऑलमोस्ट खत्म हुए हुए लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें सब कुछ खुला रहा इसकी क्या वजह है देखिए एक तो ये है कि ये इस चीज़ का जो हल है या कोई मैजिकल की तो किसी के पास है नहीं ठीक है हर सूरत में आपने अपनी सिचुएशन अपने नंबर्स और बीमारी के फैलाव के मुताबिक अपने फैसले करने ये जो गैप जिसको आप बता रहे हो इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जब ये लॉकडाउन रिलीज़ किया गया मई के दूसरे हफ्ते में तो उस वक्त जो नंबर्स थे वो इतने नहीं थे कि आप किसी जगह प्रॉपर हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते टोटल नंबर्स आज की नस्बत देखिए और उस वक्त ये कम थे सो बीमारी का फैलाव उस तरह से नहीं था कि आप उस तरह के टाइट स्पॉट्स बना के लॉकडाउन कर सकें तो आज चूंकि आपके पास नंबर्स भी ज़्यादा हैं और आ, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन और डेटा की अवेलेबिलिटी और उसकी जो आ, उसको निखारने के तरीके कार हैं वो भी बेहतर हो गए हैं तो हम अपनी इस एक्सपीरियंस अपनी एपिडेमियोलॉजी की आ, सूरत हाल इसको देखकर थोड़ा इसका बेहतर रिस्पांस कर सकते हैं सही अच्छा जो ऑब्बियसली एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं तो यू नो कोई कोई उसकी मेथोडोलॉजी होगी कोई तरीका कार होगा जिसके तहत हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता सकते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी है और क्या वजह है कि ये मेथोडोलॉजी कन्वेंशनल लॉकडाउन से ज़्यादा इफेक्टिव है हमने पहले थोड़ा सा बताया लाइक टू तो गो, गो इन देखिए इसके इसका जो बेसिक फ़लसफा बड़ा आसान है एक जगह है वहाँ जब से बीमारी शुरू हुई है उस दिन से ले आज तक मिसाल के तौर पर अगर तीन महीने गुजर गए मिसाल के तौर पर और वहाँ एक महला है जिसमें दस केस पूरे तीन महीनों में आए हैं उसी तरह का एक महला उसी साइज़ का उसी जैसा उसी शहर में है जिसमें दस केस आए लेकिन दस दिन में आए हैं तो आप क्या कहेंगे कि बीमारी की शिदत कहाँ है वो दस दिन वाली जगह में या तीन महीने वाली जगह में जाहिर है दस दिन सो तो इसका मतलब है कि जो हॉट स्पॉट या जगह की शिद्दत है उसका ताल्लुक एक तो टाइम से है यानी जो टाइम पीरियड जिसके अंदर वो केसेस बढ़ते हैं वो एक बहुत अहम जुज़ हो गया टाइम हो गया इसको साइड पर कर लें दूसरा मामला हमने क्या बात की नंबर ऑफ केसेस एक महल्ला और दूसरा महला एक में दस केस हैं पॉपुलेशन उतनी है टोटल पॉपुलेशन उतनी है एक में दस केस हैं एक में पचास केस हैं कौन सी जगह ज़्यादा फोकस करने के काबिल है जहाँ पचास केस इसका मतलब है दो मामला हो गए एक जहाँ बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है यानी केसेस जल्दी जल्दी आ रहे हैं और दूसरा वो जगह जहाँ के टोटल मकदार केसेज की ज़्यादा है ये भी बात मंतकी है सा तीसरा फैक्टर पॉपुलेशन का फर्क एक जगह दस हजार लोगों की पॉपुलेशन है उसमें आपको दस केस मिले शायद वो इतने अहम ना हो इसके बरक्स एक जगह में सिर्फ हजार लोग हैं और उधर उतने ही केस हैं तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ कि के केसेस और उनका टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है बल्कि यह भी देखना है कि ये कितनी पॉपुलेशन में से केस उठ रहे हैं इन तीन चीज़ों को एनालाइज करके देख के ये तयन किया जा सकता है कि किस जगह बीमारी की तेज़ी उसकी उसका उसकी टोटल मकदार और उसकी रेशो जब देखें अपनी पापोलेशन से तो उसके मुताबिक आप उसको एक हॉट स्पॉट या रेड स्पॉट या यू you नो know, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप बता सकते हैं इसको तयन करने के लिए आपको डेटा चाहिए पहला डेटा हो गया जो नंबर ऑफ टेस्टेड पीपल है दूसरा हुआ वो कितने टाइम फ्रेम में आए हैं और तीसरा उस जगह की पॉपुलेशन अगर ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में हो जाएँ तो आप मुख्तलिफार्मूलाज़ के ज़रिए कुछ तखमीना या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामले का फैलाव यानी अगर ये आग की मिसाल लें तो आग की तेज़ी किस जगह सबसे ज़्यादा सही है ये वो वाली बात समझ है समझ गया समझ गया अच्छा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक अलग चीज़ होती है जनरली डिसीजन एक अलग चीज़ होती है इसके बड़ी क्रिटिसज़म आ रही है कि जी Uh, जो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन सामोट लगा भी है वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जिस तरीके से एट द वेरी लीस्ट क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है तो नोबली रियली नोस कि उसको होना किस तरह है लेकिन एट द वेरी लीस्ट कि जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से नहीं हुआ तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये बिल्कुल ठीक है देखिए एक ऐसी चीज़ जो कि एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दिया गया कि भाई ये आपकी चार गलियाँ हैं या चार महल्ले हैं या ये जोन है या ये सेक्टर है सब सेक्टर है जैसे कि जगह की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर उसके मुताबिक ये कह देना हमारे लिए तो आसान है कि भाई ये जगह है आपकी हॉटस्पॉट लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस सारे तादाद शुमार को इम्प्लीमेंटेशन की सूरत में अख्तियार करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनके पास होती है गली कहाँ से गुजर रही है उसकी एंट्रेंस कहाँ है मोहल्ला कैसे है इसके अंदर बाजार कितना है इसको क्या करना है तो आमदोरफ़त कैसी है क्या इसके थ्रू कोई मेन सड़क गुजर रही है क्या आने जाने यानी आप एक जगह को बंद कर दें और उसके दोनों साइड्स पे ऐसी जगह हैं जो उधर से गुज़र के जाती हैं ये अब ये लोकल फ़ैसले हैं जिसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा समझदार होती है और उनको सबसे ज़्यादा इस मामले में पता होता है ये आसान काम नहीं देखिए पूरे शहर को या पूरे एक इलाके को बंद करना एक बात है लेकिन जब आपने इस बारीकी से इसको देखना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है दुगनी लगती है तीन गुना लगती है बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा और इसमें एक लर्निंग कर्व है ये पहले दिन हर कोई इसको नहीं सीख लेगा ये वो कोई ऐसा अमल नहीं कि हम रोज़ करते आए हों देखिए हम वो चीज़ें जो रोज़ करते हैं जो हमारी रूटीन में हैं हम उनको सीख जाते हैं वो आसान हो जाती हैं हमारे नॉर्मल उसमें फ्लो में आ जाती हैं इसके बरक्स हर वो चीज़ जो हमने साल बाद करनी है और चार साल बाद करनी है। आप इलेक्शन देख लें वोट डालने का प्रोसेस हालांकि हर पाँच साल बाद होता है फिर भी सिखा दोबारा से सिखाया जाता है, है, सिखाया है।, है। तो जो इनफ्रिक्वेंट चीज़ें होती हैं उनका एक फ्लो और उसकी जो एक प्रैक्टिस और हैबिट है वो इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज होती है और लोगों के लिए भी चैलेंज होती है अब मैं यहाँ रहता हूँ मेरे सामने वाली गली बंद होगी अब मैंने जाना है मेरे ऊपर नहीं इतलाक होता है इस लॉकडाउन का लेकिन अब मैं क्या करूँ तो ये और ये मामला होंगे मेरे ख़्याल से तहमल से सब्र से कोऑपरेशन के साथ हम इकट्ठे समझें क्योंकि देखें मसला यह सब हमारा है आज एक मोहल्ला या एक इलाका जो है लॉकडाउन में हो सकता है अगर वहाँ से बीमारी फैलती है तो हो सकता है मेरे में आ जाए तो हमने मिलजुल के सबर से कोऑपरेशन के साथ और थोड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसके लेना ये पहले दिन परफेक्ट नहीं हो जाएगा yes, यह एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी प्रोसेस अच्छा मैं लास्ट सवाल पूछूंगा बिकॉज आई फील है कि जो लॉकडाउन की कानवर्जेशन है इट इज़ ड्रिवन अलॉट बाई दिस आइडिया कि हम शायद यू नो ग्राफ को पीक पे जाने से पहले ही रोक सकते हैं डू यू थिंक दैट इज़ पॉसिबल और वाई डू यू थिंक कि लोग बार बार क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब ये यू नो 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 हज़ार से बीस हज़ार नंबर होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं एकदम से हालांकि जब हम बाहर की uh, मुल्कों में देखें तो उन्होंने सॉट sort ऑफ of एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि अच्छा ठीक है अभी अगर डिजीज़ फैल रही है तो वो एटलीस्ट इस पॉइंट तक जाएगी या इस पॉइंट तक जाएगी हुँ. तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में वी स्टिल बिलीव कि यू नो सडनली विल वेक अपन डे और वो डिजीज़ जा चुकी सडनली तो नहीं होगा लेकिन हर एपिडेमिक एपिडेमिकवेंचुअली जाती है हमने सिर्फ क्या करना है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसका फैलाव हत अल्वसा स्लो कर दें ताकि यही जो आज हमारे सारे हॉस्पिटल बेड्स पे ऑक्सीजन के ऊपर जो, जो जोर पड़ा हुआ है इसको हम सहार लें क्योंकि अगर इसको हम सहार लेते हैं तो इन हम इससे बेहतर सूरत में निकल सकते हैं इसको स्लो करना मसला है ये जादुई तौर तो पे नहीं जाएगी किसी सूरत हमारी एफ़र्ट्स इसमें शामिल हैं और मैं समझता हूँ कि हमें सबको ना ये सोचने की ज़रूरत है कुछ हिस्सा और ज़िम्मेदारी हुकूमत की जैसे मैंने बताया अब लॉकडाउन करना है उसको किस प्रॉपर तरीके से करना है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसका डेटा कहाँ से आ रहा है उस डेटा को अमली जामा कैसे फैलाना ये तो सरकार की या प्रोविशल गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ होंगी लेकिन कुछ चीज़ें हमने बतौर सिटीज़न् खुद भी करनी है क्योंकि 200 मिलियन लोगों के ऊपर हर शख्स के ऊपर एक पहरेदार नहीं हो सकता तो हम ये भी सोचें कि हम खुद क्या कर रहे हैं बेवजह की मूवमेंट कि हम कह कह सब थक गए हैं और शायद कहते हैं और कई दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अपने आप से भी हमने पूछना है कि क्या हम इस मामले में सच्चे हैं हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चलें सर थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम दिया नाजरीन ये आज की अपिसोड थी अगर आपको मजीद कोई सवाल हैं डॉ फैसल से तो आप हैश टैग आस्क डॉक्टर फैसल के ऊपर uh, अपने सवाल भेज सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्ला हम सबका अपने जबान में रखें पाकिस्तान जिंदाबाद